साथ प्रीति सिंह बात करेंगे। झारखंड विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लगातार चौथी बार सदन में बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने झारखंड में अगर बात की जाए तो 1,16,418 का बजट पेश किया। बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के लिए 3,542,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में 300 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया गया। खास बात यह रही कि इस बार बजट में 15% की बढ़ोतरी की गई। 2023-24 बजट में पहली बार 15% की बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि बजट झारखंड की जनता को समर्पित है, जो हर तबके को राहत पहुंचाएगा। तो आपको बता दें कि इस बार बजट में 15% की बढ़ोतरी की गई है और 1,16,000,000 से ज्यादा का ये बजट, 15% की बढ़ोतरी। राज्य ने राजस्व आय में इजाफा किया है और हर वर्ग का ये बजट है, ये वित्त मंत्री की ओर से कहा गया। झारखंड के वित्त मंत्री ने झारखंड का बजट पेश किया। विकास कार्यों पर खर्च हो रहा है। 2023-24 का ये बजट, 1,16,418,00,000 रुपए का यह बजट पेश किया गया है। भीषण आर्थिक कृतियों चुनौतियों के बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ उसका ध्यान रखा जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। हमने विकास की राह में सबसे अंतिम व्यक्ति पंक्ति के व्यक्तियों को आगे लाने का प्रयास किया है। सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, सुखाड़ राहत, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में लगभग 3 गुना की वृद्धि, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती साड़ी लुंगी योजना सहित कई योजनाएं हमारी गठबंधन की सरकार ने शुरू की, जो सीधे जनता की आकांक्षाओं, उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मजबूत अर्थव्यवस्था के मेरे दावे की पुष्टि आंकड़ों के अवलोकन से भी होती है। राज्य आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए बताना चाहूंगा कि वर्ष 1920 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1% था। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 21-22 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 8.2% रहा। वर्ष 22-23 में राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 7% की तुलना में हमारे राज्य का विकास दर 7.8% रहने का अनुमान है। महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और कम से कम स्तर तक रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा वर्ष 21-22 में राजकोषीय घाटा को 1% से भी कम रखने की में सफलता पाई है। इसके फलस्वरूप राज्य का डेट GDP रेशियो में सुधार हुआ है। राज्य ने अपने राजस्व आय, कर और गैर कर राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल की है। वर्ष 19-20 में कुल राजस्व आय 25,521,43,00,000 रुपये थी, जो वर्ष 21-22 में 31,320,36,00,000 रुपये हो गई तथा वर्ष 22-23 में 23.28% वृद्धि के साथ 38,612,84,00,000 रहने का अनुमान है। महोदय, हमारे गठबंधन की सरकार के बजट की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विगत 3 वर्षों में स्थापना व्यय में लगातार कमी आई है और योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। कुल व्यय में स्थापना योजना व्यय का अनुपात देखा जाए तो वर्ष 19-20 में
47.53 था, जो वर्ष 22-23 में 43.57 रहना अनुमानित है तथा वर्ष 23-24 में 39.61 प्रस्तावित है। ये इस बात को इंगित करता है कि वर्तमान सरकार स्थापना व्यय में लगातार कमी करते हुए राज्य के विकास कार्यों को अधिक तरजीह दे रही है। आप तक पहुंचा रहे हैं, झारखंड के वित्त मंत्री ने पेश किया है बजट। 15% की बढ़ोतरी की गई है इस बार बजट में, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में 300 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध, साथ ही 2023-2024 बजट में पहली बार 15% की बढ़ोतरी। सर्वजन पेंशन योजना में भी इस बार राशि जो है वो बढ़ाई गई है। सभी पंचायतों में पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। बड़ी खबर आ रही है मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध